आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 82,000 रिक्त पदों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद हैं वो शिक्षा विभाग में ही हैं, जिसमें आपके LTO प्रवक्ताओं के लगभग 6,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर जो है रिक्त देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मंत्रियों की तरह कई बार जो है आपको देखने को मिला होगा कि भर्तियाँ करी जाएंगी, इसको लेकर बात करेंगे ही। और यूके प्रदेश के बाद काफ़ी अध्यासन आए लेकिन बहुत ही कम लिमिटेड पोस्टों पर भी आई, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आज की इस वीडियो में, क्या क्या कहा गया है आज इसमें। क्योंकि अगर बात को एक रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी दर है, साथ में आपके बेरोजगारों में यहाँ पर कितनी रिक्त पोस्ट हैं, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में जो है 82,000 पद खाली मगर भर नहीं पाएगी सरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं 82,000 के करीब जो है पद रिक्त तो हैं, लेकिन सरकार जो है इनको भरना नहीं चाहती है। क्यों, इसका रीज़न पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समूह क और समूह ख ग ख सभी श्रेणियों पर जो है पदों का जो है ब्यौरा तलब किया गया है। इसमें अगर बात करें उत्तराखंड के जितने भी सरकारी आपके महकमे हैं, निगम हैं और यहाँ पर सहकारिता है, विभिन्न श्रेणियों के यहाँ पर 82,000 जो है इससे ज़्यादा पद रिक्त हैं। और आर्थिक चुनौती का जो है सामना कर रही प्रदेश सरकार के सामने जो है इन सभी खाली पदों का जो है भरना संभव नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आर्थिक कमजोरी की वजह से यहाँ पर जो है ये पद नहीं भरे जा रहे ऐसा बताया गया है। और इसी वजह से सरकार जो है अपने आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर जो है यहाँ पर खाली पदों पर जो है भर्ती के लिए हम जो है आयोग को प्रस्ताव भेज रही है। तो आयोग को प्रस्ताव भेज रही है आर्थिक क्षमता के हिसाब से, यानी कि बहुत ही कम, लगभग जो है 82,000 है। 82,000 में से अगर बात करूँ अभी इस टाइम वर्तमान समय में, तो लगभग जो है 2,000 के करीबन जो है यहाँ पर अध्याचन आने हैं, और अब तक जो है यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा आ चुके हैं और 1,000 के करीबन जो है और आने बाकी हैं योग्यता परिस्थिति को, जो कि काफ़ी कम पोस्ट हैं। देख सकते हैं कि ज़्यादा रिक्त पद खाली हैं और लेकिन लिमिटेड स्तर पर जो है आपके आयोग के बाद अध्याचन आ रहे हैं, जिनका यहाँ पर आप लोग देखते हैं। और लगभग जो है इसमें अगर बात करें शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर बात करें यहाँ पर वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सहकारी विभाग है, निगम है, जितने भी आपके सहकारी संस्थाएं हैं उनमें जो है 31 मार्च 2021 तक का जो यहाँ पर खाली पदों का ब्यौरा अगर बात करें, तो समूह क ख ग घ सभी श्रेणियों में जो है खाली पदों का ब्यौरा सरकारी विभागों में जो है 59,000 के करीब जो है बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर राजपत्रित व अराजपत्रित खाली पद हैं। और वहीं यहाँ पर कुल लगभग जो है आपके यहाँ पर 2,54,920 जो यहाँ पर स्थायी व अस्थायी पदों पर जो है, इनमें से यहाँ पर 1,95,221 पद यहाँ पर जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनमें से अधिक जो है आपके समूह ग के 41,842 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो इनमें से 41,000 के करीब जो है इतने पद यहाँ पर रिक्त हैं। और वहीं समूह घ में अगर बात करें 9,000 के करीब ये रिक्त पद हैं, और वहीं ये समूह क ख की अगर बात करें 8,000 के करीब जो है ये रिक्त हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है पोस्ट रिक्त होने के बाद भी सरकार यहाँ पर इन पदों पर भर्ती नहीं कर पा रही है, क्योंकि साल दर साल जो है बढ़ता जा रहा है यहाँ पर वेतन खर्चा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर भरना मुश्किल हो जा रहा है और लिमिटेड स्तर पर ही यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है भर्तियाँ नहीं मिल पा रही, ऐसा यहाँ पर सरकार के द्वारा बताया गया है। और कुछ पोस्टर जो है योग्यता परीक्षा को भेज दिए गए, जिसमें यहाँ पर आपके लगभग 2,000 के करीबन है वो पोस्ट जानी है। उसके बाद आपके जुलाई मंथ में जो है आपका नोटिफिकेशन, जो भर्तियाँ आपके अध्याचन आए हैं योग्यता परीक्षा के बाद, वो जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी कम पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतनी पोस्ट मुश्किल यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऐसा बताया, क्योंकि वित्त खर्च की वजह से, और इसी वजह से काफ़ी कम पोस्ट जो है आपको भर्ती देखने को मिलती है।